दिल को करारा मुझते हैं प्यारा। सुबह जैसा कि आप देख पाए, मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। फिर से यहाँ पे लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। नीचे जो प्लस का आइकन देख रहे हैं, इस पर सिंपली टैप कर लीजिएगा। 916 का रेजुलेशन दीजिएगा, रेस्यू सेलेक्ट कीजिएगा, रेजुलेशन 1080 रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 रख सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के में टाइप कीजिए, इमेज एंड वीडियो में जाइएगा और जो भी इमेज पे एडिटिंग करना चाहते हो उस इमेज को सिंपली ले लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए मैं इस वाली इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा लग रहा है। तो जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे इस तरह से जूम कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ये फुल स्क्रीन में आ जाए इस तरह से। अभी ऊपर की तरफ पूरा परफेक्टली रख लीजिएगा। नीचे जो कट रहा है तो उसके लिए हम शेप का यूज़ कर सकते हैं। देन प्लस के आइकन पर जाइएगा, शेप एक ले लीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और इसे फुल स्क्रीन कर दीजिएगा तो पूरा स्क्रीन पर आ जाएगा। कलर एंड फिल में जाइएगा, ड्यूल कलर वाले ऑप्शन पे टाइप कीजिएगा, नीचे व्हाइट वाला जो ये लेकर आ जाइएगा और ऊपर यहाँ पे इस तरह से ब्लैक वाला लेकर, सॉरी नीचे ये वाला आ गया, तो इसे इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। डॉट ब्लैक वाला जो इसे सेलेक्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला पेंसिल के नीचे वाला आइकन पर क्लिक करके इसे ट्रांसपेंट कर लीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। देन व्हाइट वाला जो इस पर क्लिक कीजिए, इसका कलर आपको ब्लैक कर देना, कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसे लेकर नीचे ऊपर की तरफ इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा ताकि ये जहाँ पे कट का ऑप्शन आ रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। इस तरह से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पे अच्छे से ताकि ये शैडो अच्छे से आ जाए। देन स्क्रीन पे टाइप कीजिए, प्लस के आइकन में जाइएगा, ऑडियो वाले सेशन में जाइएगा। जो भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वाले एडो पे क्लिक कीजिए तो आप ऑडियो के लास्ट में आ जाएंगे। देन स्क्रीन पे टाइप कर लीजिएगा, इमेज और शैडो को दोनों को एक एक करके सेलेक्ट कीजिए और इसे लास्ट तक लेकर आ जाइएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे आ चुका है इमेज का शैडो, जो मेरे में अच्छे से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, शायद इमेज का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो शैडो को मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाते हैं और थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अब शैडो अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। देन यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने तो आपको प्लस के में टैप करना है यहाँ पे और एक थोड़ा शेप और फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ कलर एंड फिल में जाइएगा और फिर से आप ब्लैक वाला सेलेक्ट कीजिएगा। देन इसे भी लास्ट तक कर देना तो लास्ट तक आ जाएगी। यहाँ से बैक करके इस एरो पे क्लिक कीजिएगा, ये लास्ट तक आ गया। इफेक्ट में जाइएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड्यूल में चले जाइएगा और यहाँ पे सिंपल स्टार्ट फील्ड का ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, इसके स्टार्टिंग में आइएगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, फिर इसके लास्ट में चलिएगा और यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे वाई वाले को सेलेक्ट कीजिएगा और फिर इसे आपको 300 या 500 700 तक कर देना है। ठीक है, इतना रन देते हैं। तो यहाँ से बैक आइए, फिर से इस शेप को सेलेक्ट कीजिए, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे टैप कीजिए, यहाँ पे लाइट एंड पे क्लिक कीजिए और इसे स्क्रीन कर दीजिए, कुछ इस तरह से आ गया। देन इसके स्टार्टिंग में ये फ्रेंड्स अभी आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे से डॉट पार्टिकल जो आना स्टार्ट हो चुका है। अभी आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग में आइएगा और यहाँ पे जो भी फर्स्ट लाइकल से उसे आपको टाइप करना है। तो मेरे में है दिल को करार आया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, प्लस करके मैं टाइप करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे दिल को करार करार। ठीक है, इस तरह से टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे एलाइन वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा और वोटर डेवलप पर क्लिक कीजिए, एक फॉन्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। वैसे मैंने ये वाला फॉन्ट आपको दे दिया, बट अब इससे भी एस्टेलिस्ट फॉन्ट आपके पास कोई हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देन ये 18 PT है तो इसे 40 PT के अकॉर्डिंग कर लेना है। आप इतना पर रख लीजिएगा कि टेक्स्ट आपका अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। देन इसे नीचे कर लीजिएगा, इतना पर रख लेते हैं। इसका कलर यहाँ पे हम व्हाइट कर देंगे। ठीक है, सिंपली आप देख सकते हैं इसका कलर जो मैंने व्हाइट कर दिया। देन राइट क्लिक कर लेंगे, नीचे स्पेस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि नीचे मैं लोगो देने वाला हूँ अपने चैनल का, तो नीचे जो लोगो वो लगा हुआ रहता है। इस तरह की वीडियो आप जो भी देखेंगे उसमें लोगो लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से मेरा नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट वाला लाइन जो होगा सो यहाँ तक आएगा। तो इसे सेलेक्ट करेंगे, देन इस वाले एरो पर टाइप कर देंगे तो हमारा फर्स्ट लाइन जो है जितना टाइम का उतना आ गया। अब दोनों उंगली से इसे छोटा कर लीजिए ताकि इफेक्ट देने में आपको आसानी हो। देन आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, यहाँ पे ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। देन नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टाइप कीजिए, यहाँ पे आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करना है। देन स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे स्टार और एंड को ऐसे ही छोड़ दीजिए, फेस वाले ऑप्शन पर टाइप कीजिएगा। देन इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, स्टार्टिंग में आने के बाद फ्रेंड्स इसे आपको माइनस में सबसे पहले 100 कर देना है। ठीक है, तो इसे पहले माइनस में 100 कर देते हैं इस तरह से, परफेक्टली माइनस में 100 कर लीजिएगा। देन थोड़ा सा आगे यहाँ पे स्क्रॉल कर दे, थोड़ा सा जस्ट हल्का आगे, ठीक है, इतना पर रख लीजिएगा। यहाँ प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद अब बीच से थोड़ा पहले, मतलब यहाँ पे बीच हो रहा है तो थोड़ा पहले इतना पे, और यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के बाद इसे आपको थोड़ा सा कम कर देना, 96 कर दीजिएगा, इसे 96.0 कर लेते हैं इसे, तो ये देख सकते हैं 96.0 होगा। देन फर्स्ट वाले की जो है इस पे आ जाइएगा और फ्रेंड्स इसे आपको 34 कर देना है, तो इसे
एकदम से लेकर चलते, ओह सॉरी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 34 इसे परफेक्टली हम रख लेंगे, तो 34.5 इसे हम 5 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रहा 34.5, देन इसके इस साइड थोड़ा सा बीच में, ये दोनों की के बीच में, और एक और वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप कीजिएगा, देन इसे आपको इतना पे रख लेना है, और फ्रेंड्स इसे आपको यहाँ पे रख लेना है, इतना पे रखिएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो परफेक्टली इस तरह से, देन थोड़ा सा इसे और कर देते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे अभी आप इसमें कोई इफेक्ट अभी आपको नहीं दिख रहा है, बस आगे आपको इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा आगे आते हैं, फेज से नीचे चलेंगे, और यहाँ पे लेयर कंपोनेंट आ रहा है तो कंपोनेंट को सिलेक्ट कीजिएगा, ऑफसेट को ऐसे ही छोड़ दीजिए, एंगल पे आप क्लिक कीजिएगा, और एंगल को आपको 1x प्लस करना है, तो सबसे पहले तो इसे 1x हम पार करवाते हैं, उसके बाद प्लस में जितना रखना है आपको बताता हूँ, तो पहले 1x इसे ले चलिए परफेक्टली, यहाँ पे ये देख सकते हो 1x चला गया। अब नीचे 157 आपको कर देना है, तो थोड़ा सा और जाएगा, ये 57 आपको कर देना है, तो 51 हो गया, देन ये हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 57.4 मैंने इसे कर दिया था, आप इसी के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, स्केल में चाहिए गए, स्केल में को माइनस में 1 कर लीजिए, देन स्ट्रेच का जो ऑप्शन आ रहा था इसे आपको 10 कर देना है, इस साइड में प्लस में, ओ सॉरी 10 कर लीजिएगा इसे परफेक्टली। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लाइनिंग आना स्टार्ट हो चुका है ऊपर में, तो इसे परफेक्टली हम 10 कर देंगे, थोड़ा सा और आगे, और ये रहा 10, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्टली 10 हो गया। अब अल्फा को आप क्लिक कर लीजिएगा, अल्फा को माइनस में 1 कर लीजिए परफेक्टली, इसे पूरी तरह से इस साइड में लेकर आ जाइएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 1 मैंने इसे परफेक्टली कर दिया। देन नीचे स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ पे इस दोनों को छोड़ के अब एज इन एज आउट जो आ रहा है तो इस दोनों को आपको माइनस में कर देना है, इनको भी और आउट को भी -100। देन नीचे स्क्रॉल कीजिए, ओवरलैप का ऑप्शन आएगा, ओवरलैप को आपको 1000 कर देना है परफेक्टली, इस तरह से पूरा आप देख सकते हो ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट हो चुका है। देन नीचे स्मूथ पे क्लिक कीजिए तो इस तरह से आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसे नीचे जो भी जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो टेक्स्ट का इफेक्ट जो आ चुका है, बस यहाँ पर लाइनिंग वाला जो कलर वाला इफेक्ट आ रहा था वो नहीं आ रहा है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कीजिए, अंदर चला जाएगा, एड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे प्रोसीडर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, सिंपल सॉरी स्ट्रिप्स का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा, देन यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा, स्ट्रिप्स पर क्लिक कीजिए, काउंट आपको 0.5 कर देना है, विथ पे क्लिक कीजिए, विथ को आपको 0.15 कर लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.15 मैंने इसे के दिया। एंगल ऐसे ही रहेगा, फेज पे क्लिक कीजिएगा, फेज पे क्लिक करने के बाद परफेक्टली इसके स्टार्टिंग में आ जाना है, यहाँ पे प्लस करना है, और फ्रेंड्स प्लस करने के बाद इसे 3.31 कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, 3.31 इसे परफेक्टली रख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो इफेक्ट खत्म होता है उसके बाद हमें ये इफेक्ट देना है, तो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर रहेगा तो ही अच्छे से आएगा, तो इतना रन देते हैं 3.31। देन इसके लास्ट में आ जाइएगा परफेक्टली, एकदम से लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद इसे आपको 4.84 कर देना है, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया 4.84 परफेक्टली, इसे हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आप इसे आगे करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट इसका जो है सो अब आता है, एक ही बार आएगा, जब इसका इफेक्ट टेक्स्ट वाला खत्म होता है तो ये वाला स्ट्रिप्स वाला आएगा। देन यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, यही कलर ज़्यादा चल रहा है तो मैं सेकेंड वाला कलर जो है इसे सेलेक्ट करता हूँ। देन इसे थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। देन यहाँ से बैक आते हैं, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो स्मूथिंग का ऑप्शन है, स्मूथिंग पर क्लिक कीजिएगा और इसे 0.050 आपको कर देना परफेक्टली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया मेरा कंप्लीट, ठीक है। तो 51 है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका हो गया। तो अभी आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, फर्स्ट लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी लाइन को सेलेक्ट करेंगे और ये डबल लेयर्स का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा, तो फर्स्ट वाला इसका हो गया। अब सेकेंड लाइन के लिए यहाँ पे आ जाइएगा, देन इसी वाले ऑप्शन में फिर से टैप कीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट लेयर कर लीजिएगा, सेकेंड लाइन हमारा आ गया। अब सिंपली इसे एडजस्ट कर लेना है कि क्या टेक्स्ट है और कितना टाइम का है, तो ये वाला थोड़ा सा बस इतना कट करना होगा हमें। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट वाला हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो ये नोज इफेक्ट आप देख ही पा रहे हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट वाला स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आते हैं और सिंपली इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसे कट कर देंगे। अगर आपका कोई लाइन आगे तक आ रहा है तो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ही आगे आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे आसानी होगी। अब इसके बाद इस वाले लाइन का जो लैडिकल्स उसे हमें चेंज करना है, तो इसका लैडिकल्स देख लेते हैं, तो इसका तुझ पे है प्यार आया, तो एडिट टेक्स्ट में चलेंगे, सिंपली इसे सेलेक्ट कीजिए, एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और इसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा तो ये कट जाएगा। इसमें आपको टाइप करना है तुझ पे है प्यार आया, ठीक है। तो हमारा लाइन आ गया यहाँ पे, देन इसे थोड़ा छोटा कर लीजिएगा या फिर लाइन को आप बड़ा कर लीजिएगा, तो इसे छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से, तो देख सकते हैं परफेक्टली यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो लाइट का काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। ठीक है,
तो इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिए पूरा लाइट का। इसके बाद आपको स्टार्टिंग में देन प्लस करके टाइप कीजिए, इमेज एंड वीडियो में जाइए, वी ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपका फाइल, जिस भी फाइल में आप लोगो इंट्रो अपने रखे होंगे उस फाइल में सिंपली चले जाना है। और यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा है, तो आप देखिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पर प्लस करके क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आ गया मूव ट्रांसफॉर्म में चलेंगे, जूम वाले ऑप्शन पर जाकर पहले तो इसे हम छोटा कर लेते ताकि आसानी से नीचे हम एडजस्ट कर सके। फिर मूव वाले ऑप्शन पर जाएंगे और फिर इसे जहाँ पे भी आप रखना चाहते तो उसे यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसे रहने देता हूँ, देन इसे भी लास्ट तक करना। तो यहाँ से बैक आएंगे, इस वाले एरो पे दोबारा टाइप करेंगे तो लास्ट में आ गए, इस वाले ऑप्शन पे टाइप कर देंगे हमारा लोगो जो है लास्ट तक आ गया। तो इसी तरह से आपको पूरा लाइट कलर कंप्लीट कर लेना है, आपका स्टेटस जो है बनकर तैयार हो जाएगा। आप सिंपली इसे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए इस सेटिंग के बगल में एरो जो देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करना एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लिए कमेंट ऑप्शन जरूर बताइए, और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।